अस्सलाम वालेकुम बस। ये देखे, ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं, इसको भी मुझे फोल्ड करना है और बहुत सारे काम करने हैं और कुछ भी दिल नहीं कर रहा कि मैं काम करूं। मोबाइल पकड़ा होगा तो काम करने का दिल क्या करेगा? आपसे बातें करने का दिल कर रहा है। और ये मेरी बेटी बेटी भी है और कह रही है कि मोबाइल रख दो और काम कर लो, और खुद कुछ भी नहीं करती। आज मैंने इसको ज़बरदस्ती बिठा लिया है कि ये कपड़े आप तय करोगी, और मुझे कपड़े इस्त्री करना और उसको तय करना बहुत बुरा लगता है। मासी से बात की है, वो कह रही है कि नहीं मैं कपड़े धोती हूँ, मुझे इस्त्री करना नहीं आता। तब उसको मैं इस्त्री करना भी सिखा मैं फारिग रहूं आपके साथ बात करने को, और मैं मोटी भी हो रही हूँ। ये देखे सब, ये बेड पे पड़े हुए हैं, कल से धोए हुए हैं और अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं, और इससे पहले वाली भी पड़े हुए थे। आप बताएं, आप लोग इस तरह करते हो या एकदम से उसको ना इस्त्री करके अलमारी में रख लेते हो? इतने सारे पड़े हुए कौन करेगा? ये लगी हुई है आहिस्ता आहिस्ता, अभी दो तीन जोड़े कर लेगी फिर बोलेगी कि बस मैं थक गई हूँ, और ये सारे ऐसे मैं करवा के रहूँगी। अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी क्योंकि फिर ये बरसेगी के जल्दी करो जल्दी करो। और आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी, मैं भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे बहुत गर्मी है तो गर्मी की वजह से इतने परेशान और गरम गरम रहते हैं कि वीडियो मैंने बना ली थी लेकिन फिर भूल गई थी उसको अपलोड करना। और बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं तो ज़्यादा मोबाइल उठाते भी नहीं है, खड़ा होता है तो आपके साथ बात भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ये दोबारा से फिर हमें इस्त्री करने के लिए उठाना होगा, क्योंकि अभी इस्त्री करना इतनी गर्मी में ज़्यादा कपड़े इस्त्री नहीं होते ना, तो इसको भी हम तय कर लेंगे, फिर जब पहनेंगे तो फिर निकालेंगे कबर्ड से और इसको फिर हम इस्त्री करेंगे। देखे वो हमारी बच्ची जो है ना, उसने कपड़े दो तीन सूट तय करके लेट गई है। ये देखे उसकी टांग नज़र आ रही है, कह रही है बस एक दुपट्टा और दो शर्ट उसने तय कर ली और सो गई। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस्त्री करेंगे फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।